पिछले 5 साल में कांग्रेस के द्वारा जो झूठे वादे किए गए, पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ का लाभ भी मिला लेकिन भिलाई टाउनशिप के लोगों को नहीं मिला। नशे का शहर के रूप में बन गया, अपराधगढ़ की ओर चला गया है, सारे प्रकार के अपराध यहाँ हो रहे हैं। शाम होते ही जितने ही ओपन लैंड्स हैं वो सब ओपन बार बन जा रहे हैं, तो ये उनका काम है। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज़ में आप सभी का चुनावी गुफ्तगू में स्वागत है। इस वक्त हम हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के निवास स्थान में हैं, जी हाँ, भिलाई नगर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है। पिछले बार किन्हीं चूक के कारण उन्होंने ये जो मौका था गवाया था, लेकिन इस बार वो पूरे आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। उनके चेहरे का तेज बता रहा है कि इस बार उनके विजय का होने का पूरा चांसेस है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत। जी, नमस्कार। आपने एक लंबी पारी चुनाव वो खेली राजनीति में, और भिलाई नगर विधानसभा से आप एक ऐसा चेहरा है जो परिचय ने मोहताज ही नहीं है। इस बार आपके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? इस बार हमारे चुनावी मुद्दे रहेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पिछले 9 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं, गरीब कल्याण से लेकर समाज के हर वर्ग के लिए, देश को जो उन्होंने पूरे विश्व में एक मान सम्मान बढ़ाया है, धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, ट्रिपल तलाक सरीखे, महिला आरक्षण और 5 किलो मुफ्त गरीबों के राशन से लेकर फ्री वैक्सीनेशन तक, प्रधानमंत्री आवास से लेकर के आयुष्मान योजना तक, ऐसे गरीब कल्याण और रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपये तक का बिना गारंटी का लोन, स्टार्टअप, ऐसी तमाम योजनाएं और भिलाई को IIT की जो सौगात मोदी जी ने दी है, इन तमाम मुद्दों के साथ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किए गए कार्य, BSP के प्रोफेशनल टैक्स की समाप्ति से लेकर के प्रत्येक कार्य, जो गार्डन हैं, तालाब हैं, आपके सड़कें हैं, बिजली है, पानी शिवनाथ नदी से जो आया, और उसके अलावा अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर्स, साथ ही पिछले 5 साल में कांग्रेस के द्वारा जो झूठे वादे किए गए, लोगों को छठा फेज लीज का आएगा कहा गया लेकिन नहीं आया, पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ का लाभ मिला लेकिन भिलाई टाउनशिप के लोगों को नहीं मिला, ये बहुत से स्थानीय मुद्दे हैं। और स्थानीय में सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज यहाँ भिलाई, जो शांति का टापू कहलाता था, वह एक नशे का शहर के रूप में बन गया, अपराधगढ़ की ओर चला गया है, सारे प्रकार के अपराध यहाँ हो रहे हैं। शाम होते ही जितने ही ओपन लैंड्स हैं वो सब ओपन बार बन जा रहे हैं, वहाँ नशा करने वाले लोग हैं, जहाँ यहाँ के टैलेंट्स देश के विभिन्न महानगरों से लेके विदेशों में अपने भिलाई का नाम ऊंचा करते हैं, वहाँ भिलाई में महादेव सट्टा जो है भिलाई के माथे पर एक कलंक का दाग लगा है, और तमाम उन नौजवानों को जो गलत दिशा में जा रहे हैं, यहाँ के आम लोगों की सबसे चिंता अपने आने वाली भिलाई की पीढ़ी के लिए है कि वे इस गलत वातावरण में बढ़ करके अपराध की ओर जो बढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ों पर हम लोग पहले रोक लगाएंगे और जो यहाँ की समस्याएं हैं उनके समाधान की ओर पूरा प्रयास होगा। भिलाई मिनी इंडिया है, सभी जाति वर्ग और संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, और अक्सर देखा गया है कि जातिगत अगर समीकरण देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। और पिछली बार भी हुडको की उसमें देखा गया था कि मतदाताओं की जो वो थी उसमें उस समीकरण में ज़्यादा प्रभाव वहीं देखा गया था। नहीं, ऐसा है कि भिलाई जो है एक हेट्रोजीनियस सिटी है, और जहाँ कि अपने हर वर्ग के लोग हैं, हर आयु वर्ग, हर जाति समाज, अपने अपने इष्ट को मानने वाले लोग हैं, और इसलिए यहाँ के मतदाताओं का बहुत ज़्यादा
किसी समाज या उसका आधार नहीं होता है, और परिणाम मतदाता ही हमेशा ले आते हैं, और हमें मतदाताओं ने जिताया भी है और हराया भी है, आशीर्वाद भी मिला है, प्यार भी दिया है और नकारा भी है। तो ये उनका काम है और हमारा काम है कि हम अपनी पार्टी नीति, पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ जनता का विश्वास जीतने का इस बार हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, और हमें भरोसा है कि जिस भरोसे से पार्टी ने हमें यहाँ उतारा है, हम उस भरोसे को सच साबित करेंगे। खुर्सीपार केनाल रोड का मुद्दा पिछली बार काफ़ी गहराया था, इस बार इस तरह के मुद्दे तो हैं नहीं, फिर भी चुनाव खुर्सीपार का अगर आंकड़ा देखा जाए तो वहाँ क्या रहेगा? देखिए, खुर्सीपार के लोगों को जिस तरीके से पिछली बार गुमराह किया था, खुर्सीपार के लोग इस बात को समझ गए हैं कि जिस केनाल रोड को लेकर के लोग गुमराह कर रहे थे, वही केनाल रोड आज खुर्सीपार की सबसे मेन लाइफलाइन बनी है, और वही केनाल रोड खुर्सीपार को जैसे भिलाई टाउनशिप की आप इक्विपमेंट चौक से सेक्टर 9 चौक तक का जो सेंट्रल एवेन्यू है, तो खुर्सीपार का सेंट्रल एवेन्यू अगर कोई बना है तो केनाल रोड बना है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर? सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, आप सबके प्यार और स्नेह के कारण मुझे फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यह प्यार और स्नेह बनाए रखें ताकि हम पार्टी के भरोसे पर खड़े उतरें। बहुत अल्प समय पांडे सर का ली हूँ मैं, क्योंकि मेरे और भी पत्रकार भाई यहाँ पर, क्योंकि आज पहला ही दिन है टिकट मिलने के बाद में, तो लाइन लगाए खड़े हैं, तो जल्दी विदा करूँगी। आप सभी को नमस्कार। तो दर्शकों, हम अभी इस वक्त मौजूद हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के निवास स्थान पे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी से भिलाई नगर विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। हमने उनका छोटा सा एक साक्षात्कार किया और उनसे जाना कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। अपने सभी सवालों के जवाब उन्होंने काफ़ी बेबाकी से दिए, और उन्होंने किस मुद्दे को लेकर वो चुनावी मैदान पर हमसे साझा किया। लगातार हमारे साथ चुनावी गुफ्तगू बने रही और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। नमस्कार।